अस्सलाम वालेकुम बच्चों बच्चों उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यूटन रिंग्स एंड माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। बच्चों न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि अगर हम एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस लें, उसको एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखें और फिर उसके ऊपर हम लाइट फॉल करें तो एज अ रिजल्ट हमें कोई डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगे। जैसे कल के टॉपिक में हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था कि हमारे पास कुछ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस, तो वैसे ही न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इस चीज़ को देखा कि वाकई ही अगर हम एक प्लेनो कन्वेक्स मिरर लें और कन्वेक्स मिरर के उसको ग्लास प्लेट के ऊपर रखें तो एज द रिजल्ट ये जो थोड़ा सा रीजन बनता है ना, इसकी वजह से हमारे पास कुछ फ्रिंजेस प्रोड्यूस होते हैं। वो होते कैसे हैं? वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस इन थिक फिल्म्स। अब बच्चों ये जो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स वाला टॉपिक है ये आपका स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगर वो आपको समझ नहीं आएगा तो आगे की चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी तो मैं एक जनरल सा आपको कंसेप्ट दे देती हूँ कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स होता क्या है। बच्चों इस तरह से होता है कि आपके ऊपर सपोज हम वाटर लेते हैं, वाटर के ऊपर हम ऑयल की एक लेयर लगाते हैं और उसके ऊपर हवा तो एज इट इज़ है ही है। अब होता क्या है कि जब हम यहाँ से एक लाइट रे को पास करते हैं इस ऑयल की सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो एज अ रिजल्ट होता क्या है कि कुछ हमारी लाइट वेव वहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाती है, कुछ लाइट वेव रिफ्लेक्ट कर जाती है और कुछ लाइट वेव क्या करती है बच्चों, रिफ्रैक्ट करती है। जब वो रिफ्रैक्ट करती है तो वो ऑयल की इस लेयर से पास ऑन होती 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 इसकी लोअर बाउंड्री तक, इस रीजन तक आ जाती है, यानी वाटर की सरफेस से पहले पहले ऊपर तक आ जाती है। वहाँ से बच्चों वो क्या करती है, वो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करती है, रिफ्लेक्ट बैक करके ऑयल की इस सरफेस से वो बाहर निकल जाती है, दोबारा एयर में चली जाती है। इसी वजह से बच्चों आपने नोट किया होगा कि अगर आप वाटर के अंदर आप ऑयल को डालो, आप तेल को डालो या आप ज़मीन पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि कहीं पे पानी भी पड़ा हुआ साथ में आप तेल भी डाल दो तो क्या होता है कि आपको उसके ऊपर कलर्ड पैटर्न्स नज़र आते हैं, या जो सोप होता है आपका, साबुन होता है, साबुन के जो बबल्स होते हैं उसके ऊपर आपको कलर्ड पैटर्न नज़र आते हैं। वो सारा फिनोमिना किसकी वजह से होता है बच्चों, दैट इज़ ड्यू टू द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, इन थिन फिल्म्स की वजह से हो रहा होता है। अब हो क्या रहा होता है बच्चों, एक तो जब आपकी लाइट वेव यहाँ पे इंसिडेंट हुई, यहाँ से कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट बैक हो गया तो एक वेव आपके पास ये जनरेट हो गई और दूसरी जो ये रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हुई एक वेव आपके पास ये जनरेट हो गई, तो एज अ रिजल्ट आपके पास होता क्या है। अगर तो देखो इसका मतलब है कि दो वेव्स आपकी एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं और एक ही फ्रीक्वेंसी की हैं, क्यों, क्योंकि उनका लाइट सोर्स सेम था, तो आपके पास क्या होगा कि इंटरफेरेंस की एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज होनी चाहिए यानी एक फेस में होनी चाहिए, और दूसरी आपके पास क्या है कि लाइट वेव्स आपकी एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए, और दूसरा आपके पास क्या है कि वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, तो वो सोर्स भी आपका सेटिस्फाई हो गया। तो जब आपकी लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, आपको उनका फेस सेम है, तो आपके पास कौन सा फिनोमेना होता है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली अगर आपके पास ये वेव कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट होके आए कि आपके ट्रफ के साथ क्रस्ट मैच कर रहा हो और क्रस्ट के साथ ट्रफ मैच कर रहा हो तो एज अ रिजल्ट आपके पास आपको क्या नजर आएगा बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नजर आएगा। तो जो भी आपके जो कलर्ड पैटर्न्स होते हैं, कलर्ड पैटर्न्स बच्चों आप क्यों नजर आते हैं, क्योंकि जो आपकी वाइट लाइट है, जो नेचुरल लाइट है, आप साबुन आप यूज़ कर रहे हो या आप तेल को पानी के साथ ज़मीन पर ऐसे मिक्स कर रहे हो या ग्लास में इवन मिक्स कर रहे हो बच्चों, तो उसके ऊपर आप कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स नहीं डाल रहे हो, कोई लेजर लाइट डाल के चेक नहीं कर रहे हो, वो नॉर्मल आपको डे लाइट में नजर आ रहे हैं, तो वो आपको व्हाइट लाइट में नजर आ रहा है। अब उस केस में क्या है कि उस केस में व्हाइट लाइट के अंदर डिफरेंट, अगर आप स्पेक्ट्रम को देखो तो उसके अंदर डिफरेंट रेंजेस है, कोई रेड कलर की लाइट है, कोई येलो कलर की लाइट है, कोई ऑरेंज कलर की लाइट है, तो वो जो आपको पैटर्न्स नजर आते हैं वो सारे उन डिफरेंट कलर की रेंजेस की वजह से नज़र आते हैं, उनकी वजह से आपको वो अलग अलग पैटर्न नज़र आते हैं। वरना आपको अगर आप उसको इसी फिनोमिना को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो या आप लेज़र लाइट लगा के देखो या मोनोक्रोमेटिक लाइट लगा के देखो तो बच्चों उस केस में जो आपको पैटर्न नज़र आएगा वो बिल्कुल डार्क और लाइट फ्रिंजेस नज़र आएंगे। ठीक हो गया बच्चों, तो ये तो था इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। अब न्यूटन ने क्या किया, ये है न्यूटन का अपरेटस जो आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पर आपके पास कन्वेक्स लेंस है, उसके प्रिंसिपल फोकस से आपने लाइट सोर्स पास की। अब जब लाइट इस लेंस में से पास करके जाएगी, ये आगे आपके पास एक ग्लास प्लेट है जो कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी और कुछ लाइट इसमें से रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक हो गया बच्चों,
नीचे आपके पास ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है जो किसी ग्लास प्लेट के ऊपर पड़ा हुआ है। अब ये जो एरिया है, ये जो सर्कल वाला एरिया है, अगर इसको हम जूम करके देखें बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या फिनोमेना बन रहा है, ये जो वाली जो लाइन है ना बच्चों, ये कन्वेक्स लेंस की लाइन है और ये जो आपके पास है ये ग्लास स्लाइड की लाइन है। अब यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहे हैं ये आपके पास कुछ इंटरफेरेंसिंग थिन फिल्म्स का बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या इन्वॉल्व हो रही है, एयर इन्वॉल्व हो रही है। एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है और यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, एयर इन्वॉल्व हो रही है। जस्ट लाइक दिस कि एक मीडियम आपके पास ये था, दूसरा मीडियम ये था और तीसरा मीडियम ये है। इसी तरह आपके पास 1, 2 और 3 मीडियम इन्वॉल्व हो गए। अब हो क्या रहे कि लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे इस रीजन पे आ रही है, कुछ लाइट वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है लेकिन कुछ उसके रिफ्रैक्ट होके इस ग्लास लाइट पे आ रही है। यहाँ से जो लाइट रिफ्रैक्ट होके वापस जा रही है तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे कोई फिनोमेना हो रहा है, दैट कैन बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दैट मे बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली इस रीजन पे हो रहा है, इस रीजन पे हो रहा है, इस रीजन पे हो रहा है, करते करते ये जो सारा, ये जितना भी रीजन मैंने आपको सर्कल करके दिखाए, इस सारे रीजन पे यही फिनोमेना हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सारे रीजन के ऊपर यही फिनोमेना कंटिन्यू हो रहा है कि कहीं पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जहाँ पे बच्चों आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पर आपके पास बनता है ब्राइट फ्रिंजेस, और जहाँ पर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहाँ पर आपके पास बनता है डार्क फ्रिंजेस। अब ये सारी लाइट्स बच्चों यहाँ से आके जब ये दोबारा रिफ्रैक्ट होके जा रही है ना, तो ये इसी मिरर में से पास करते करते इस माइक्रोस्कोप से आप व्यू करो, यहाँ पे बंदा ऑब्जर्वर इधर है, यहाँ से ये सारी चीज़ें डिटेक्ट हो रही हैं। तो ये सारी लाइट्स यहाँ से आके, क्योंकि ग्लास है तो ये दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक करके सारी वेव्स यहाँ पे जनरेट होके आपको क्या दे रही हैं, ऐसे न्यूटन रिंग्स बना रही हैं। अब बच्चों अगर आपको इंटरफेरेंस का टॉपिक कल वाला याद हो तो उसमें आपने देखा था कि हमारे पास जो सेंट्रल स्पॉट होता है वो हमेशा मैक्सिमा होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल स्पॉट क्या हो रहा है, मिनिमा आ रहा है। तो इसकी क्या रीज़न है, इसकी मिनिमा आने की रीज़न ये है बच्चों कि आपके पास यहाँ पर जो कोई लाइट है, यहाँ पर जो लाइट है बच्चों, जब यहाँ से वो इस रीजन पर, यहाँ पे, अब ये तो सारा फिनोमेना हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इन रीजन्स पे देख ले, लेकिन बिल्कुल ये जो सेंटर का पॉइंट है इसमें क्या है बच्चों, आप देखो यहाँ पे जो आपका कन्वेक्स लेंस है और ये जो ग्लास प्लेट है ये टोटली आपस में एक दूसरे के साथ इंटैक्ट है, एक कॉन्टैक्ट में है, बिल्कुल जुड़े हुए, इनके दरमियान बच्चों कोई एयर स्पेस नहीं है, कोई गैप नहीं है। ये देखो ये यहाँ पे बिल्कुल जुड़े हुए, जैसे यहाँ पे आपको हल्का सा लाइट ब्लू कलर की के साथ जो व्हाइट कलर की बाउंड्री नजर आ रही है, ऐसी यहाँ पे ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है। तो इस केस में क्या है कि लाइट वहां से पास ही नहीं करी सेंट्रल पॉइंट में से, और एज इट इज जो आई है यहीं से आपको बजाय रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होने के वो डायरेक्ट वहीं से वापस चली जाएगी। तो इस वजह से आपको जो सेंट्रल रिंग है दैट इज योर डार्क स्पॉट। तो इस न्यूट्रल रिंग का जो आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमें क्या मिलते हैं कि एक तो सेंट्रल स्पॉट डार्क है, क्यों, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है। और बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम में से पास करेगी तो यहाँ पर पास करने के बाद क्या होगा कि उसका फेस चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर मूव करते करते इसका क्रस्ट था तो इधर मूव करते करते आते तक इसका ट्रफ बन चुका होगा। तो इट मींस कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ मूव कर रही है, तो आपके पास जो सेंट्रल स्पॉट आ रहा है वो डार्क आ रहा है, किसकी वजह से, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। और दूसरी बात ये कि अगर आप इस सारे ऑपरेटर्स को, सारे सेटअप को उठा के पानी में डाल दो तो उस केस में आपके पास ये जो न्यूट्रल रिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा नैरो बनना शुरू हो जाएंगे, बहुत करीब 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 आ जाएंगे एक दूसरे के, क्योंकि उस केस में क्या होता है बच्चों के जो आपकी लाइट वेव्स हैं, जो उनकी लेमडा है, वेव लेंथ है, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए कि आपके पास सेंट्रल स्पॉट ब्राइट के बजाय बिल्कुल डार्क आ जाए, तो वो इस वजह से आएगा कि आपकी सारी की सारी लाइट वहाँ से ट्रांसमिट आउट हो जाए, क्योंकि दोनों ग्लास के बने हुए हैं। तो अगर तो सारी लाइट ट्रांसमिट आउट हो जाए तो आपके पास जो सेंट्रल स्पॉट है वो आपके पास आ जाएगा, ब्राइट आ जाएगा। तो अब अगर हम कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा लिखें तो बच्चों कल के टॉपिक में आपको याद था कि मैक्सिमा हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा था, एम प्लस हाफ इंटू लेमडा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आ रहा था एम लेमडा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे हमारे पास हो रहा है मींस के सेंट्रल रीजन डार्क है, तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वो मैक्सिमा है। तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ इंटू लेमडा, और मिनिमा क्या होता जाएगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिसकी वजह से हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस को फाइंड करते हैं विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन।
फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी को बहुत डिटेल में पढ़ा था, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हमने प्रिसीजन देखी थी कि कितना प्रिसाइजली वो मेजर कर सकते हैं। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिस्टेंस को मेजर करना चाहा विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए या मीटर्स को मेजर करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट हुआ था बच्चों, वो एज इट इज़ नहीं सेट हो गया, तो उसके पीछे बहुत एक्सपेरिमेंट्स थे। तो एक एक्सपेरिमेंट उनमें से ये भी था कि माइकल ने क्या किया कि उन्होंने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स लिया, उसके बाद उन्होंने एक ग्लास की प्लेट रखी जो आधी तो ट्रांसपेरेंट थी और आधी के ऊपर उन्होंने सिल्वर कलर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसकी वजह से क्या हुआ कि जहाँ से वो ट्रांसपेरेंट थी वहाँ से तो वो पार्शली रिफ्लेक्ट कर रही थी लाइट वेव को, और दूसरी रीजन से वो क्या कर रही थी, लाइट को ट्रांसमिट कर रही थी। तो दूसरी, उसके बाद आगे एक और उन्होंने ग्लास की प्लेट रखी, उसको हमने क्या कहा कि वो कंपनसेटिंग प्लेट है। उसके आगे एक मिरर रखा, ये मिरर जो वन है दैट इज़ योर फिक्स्ड मिरर, और ये जो दूसरा मिरर है बच्चों ये आपका मूवेबल मिरर है। अब हो क्या रहा है कि लाइट आ रही है इस सोर्स से, यहाँ पे आके कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट करके ये ऊपर ग्रीन पे चली गई, ठीक है। वहां पे जाके जब ये मिरर के साथ टकराई, टकरा के वापस इस ग्लास प्लेट पे आई और यहां से ट्रांसमिट करके इधर आ गई। ये जो है बच्चे ये आंख है, या आप कह सकते हो कि ये डिटेक्टर है जो इस चीज को डिटेक्ट कर रहे हैं। अब दूसरी जो लाइट, यहाँ वही लाइट सोर्स जो यहाँ पे पहुंची थी, आधी तो रिफ्लेक्ट कर गई थी, अब जो आधी बची थी वो ट्रांसमिट करके इस ग्लास प्लेट पे गई, यहां से मूव करती करती वो इस मिरर के पास गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आके दोबारा ट्रांसमिट होके इसी आंख पे पहुंच गई। तो एज द रिजल्ट इस आंख के पास, या ये जो डिटेक्टर है उसके पास दो लाइट वेव्स आ गई, यानी एक वेव दो जगह पे स्प्लिट हो गई। इसको बीम स्प्लिटर इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो सोर्स ऑफ बीम है, इनकमिंग लाइट वेव है, उसको स्प्लिट कर रहे दो रीजन में, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। अब ये मूव करके आया तो ये इंटरफेरेंस यहाँ पे कुछ करेगा क्यों, क्योंकि दो लाइट सोर्स हैं मूव करेंगे वो एक ही डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली वहाँ पे कौन सा फिनोमेना होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होगा। तो अब वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और वो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, तो हमें एज अ रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर कुछ इस टाइप के इमेजेस मिलेंगे। अब अगर बच्चों हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद ये था कि हम इसमें से फाइंड करें कि हमारे पास डिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपके पास कुछ फ्रिंजेस बन रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर बच्चों, ये इस तरह के कुछ फ्रिंजेस बन रहे हैं, कोई लाइट बन रहा है डार्क बन रहा है, लाइट बन रहा है डार्क बन रहा है। तो बच्चों हमें पता है कि दो हमारे पास जो फ्रिंजेस हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमारे पास जो दो क्रस्ट हैं, हमारे पास जो दो क्रस्ट है या जो हमारे पास दो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का हमारे पास डिस्टेंस कितना है आपस का, दो ब्राइट का या दो डार्क का, दैट इज़ लेमडा बाय टू, या अगर हम बात लेमडा बाय टू है। तो अगर हम इस तरह से देखना चाहते हैं कि मुझे दरमियान में सेंट्रल ब्राइट स्पॉट नज़र आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि मैं अपनी वेव को एक वेवलेंथ आगे शिफ्ट करूँगी। जैसे बच्चों कल हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पढ़ा था कि अगर हम अपनी वेव को एक वेवलेंथ, एक कंप्लीट वेवलेंथ आगे शिफ्ट करें तो भी हमारे फ्रिंजेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे फिनोमेना के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और एज अ रिजल्ट हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलता है। तो उस केस के लिए बच्चों एक वेव कंप्लीट को मूव करने के लिए क्या होगा कि यहां से जो लाइट वेव आए मैं इस मिरर को मूव कर दूं, क्योंकि असल में फिनोमेना तो मेरा इस मिरर की वजह से हो रहा है, ये जो मेरा मूवेबल मिरर है, अगर मैं इसको अपनी वेवलेंथ के हाफ जितना ऊपर मूव कर दूं, मींस लैम्डा बाय टू, या लैम्डा बाय टू में इसको ऊपर मूव कर दूं, क्योंकि मेरी दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा बाय टू है, तो मैं इसको लेमडा बाय टू अगर ऊपर मूव कर दूं बच्चों, तो यहाँ से जो भी वेव जाएगी ना वो लेमडा बाय टू का एडिशनल डिस्टेंस कवर करेगी ऊपर जाने के लिए, और सिमिलरली वो वापस नीचे आने के लिए भी लेमडा बाय टू का डिस्टेंस एडिशनल ट्रैवल करेगी। तो एज अ रिजल्ट बाकी फिनोमेना तो एज इट इज़ होगा, क्योंकि ये वाला मिरर तो फिक्स्ड है, मूव तो हम इस मिरर को कर रहे हैं, तो हमारे पास जो सेंट्रल स्पॉट होगा बच्चे वो हमारे पास ब्राइट नजर आएगा, और जो इसकी इक्वेशन है जिस वजह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एम इंटू लेमडा बाय टू, ये आपकी बुक में लिखी हुई है बच्चों, एल इज इक्वल टू एम इंटू लेमडा बाय टू। अब इसमें लेमडा बाय टू क्या है कि एवरी टाइम, हर टाइम आप जब इस मिरर को डिस्प्लेस करते हो तो वो इतना लेमडा बाय टू का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और एम क्या बता रहा है आपको, एम आपको बता रहा है नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको मूव कर रहे हो, आप एक दफा मूव कर रहे हो, दो दफा कर रहे हो, तीन लैम्डा बाय टू कर रहे हो, चार लैम्डा बाय टू कर रहे हो, तो एम आपको उसको डिनोट कर ले। सिमिलरली अगर हम अब मेजरमेंट इस चीज की लें कि एक
ब्राइट फ्रिंज और एक डार्क फ्रिंज के आपस का डिस्टेंस कितना है, तो वो होता है बच्चों लेमडा बाय फोर। तो लेमडा बाय फोर के लिए अब मैं क्या करूँगी कि ये जो लेमडा बाय टू मैंने इसको मूव किया था, मैं इसको उसका भी हाफ कर दूंगी, यानी एक वेवलेंथ का चौथा हिस्सा मूव करूंगी। तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, टोटल वेव मेरी कितना डिस्टेंस एडिशनल ट्रैवल करेगी, लेमडा बाय फोर ऊपर जाने के लिए और लेमडा बाय फोर नीचे आने के लिए। तो मेरे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना उसमें डिफरेंस आएगा, दैट विल बी इक्वल टू लेमडा बाय फोर प्लस लेमडा बाय फोर इज इक्वल टू लेमडा बाय टू, यानी ओवरऑल जो मेरी वेव है वो आउट ऑफ फेस मूव करेगी। एक वेव अगर फुल लेमडा है तो दूसरी लेमडा बाय टू के साथ मूव कर रही है, तो वो क्रस्ट और ट्रफ आपस में मिलेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। अब जो आपके पास ये कंप्लीट एक सेटअप होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, वो बच्चों कुछ इस तरह से होता है। ये तो आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम है, लेकिन जो सेटअप है बच्चों वो ऐसे होता है कि ये आपके पास सोर्स है, यहाँ से लाइट जा रही है, ये आपका आगे बीम स्प्लिटर है यानी ग्लास वन है, ये आपका कंपनसेटर है ग्लास टू, ये आपका फिक्स्ड मिरर है और ये आपका मूवेबल मिरर है। इसको मूव करके आप यहाँ पे ये जो आंख है आपकी, ये जो डिटेक्टर है, यहाँ पे आप अपने फ्रिंजेस को देख सकते हो। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डायग्राम आपके पास यहाँ पे ऐड किए, ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, कैसे मूव कर रही हैं। अब बच्चों आपकी बुक में जो कैलकुलेशन की है, अगर हम बात करते हैं कि हम एक वेवलेंथ लेते हैं, दैट इज़ वॉयलेट कलर की लाइट ले लेते हैं, जिसकी वेवलेंथ है हमारे पास 400 नैनोमीटर, तो मिनिमम जो डिस्टेंस आपका ट्रैवल हो सकता है बच्चों, वो एक ब्राइट फ्रिंज से एक डार्क फ्रिंज के दरमियान का डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है मिनिमम। देखो यही है ना, एक ब्राइट से एक डार्क तक जा सकते हो, फिर डार्क से ब्राइट तक जा सकते हो, तो वो कितना डिस्टेंस है, दैट इज लेमडा बाय फोर। तो लेमडा को अगर अपनी लेमडा को आप डिवाइड करोगे फोर से, जो आपकी 400 थी, तो आपके पास वेवलेंथ कितनी, आपके पास डिस्टेंस कितना आ रहा है, 100 नैनोमीटर्स। 100 नैनोमीटर को मजीद आप मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करोगे बच्चों, तो आपके पास जो प्रिसीजन आएगी वो आ रही है 10⁻⁴ मिलीमीटर। अब मीटर रॉड की प्रिसीजन मैंने यहाँ पे डाल दी, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज इनकी डाल दी। अब देखो बच्चों ये तो वैल्यूज आपको पता है, इनके कंपैरिजन में ये जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है उसकी प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है, यानी ये बहुत प्रिसाइजली दो चीज़ों के आपस का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, किसकी वजह से, फिनोमेना इसमें भी डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का हो रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁴ मिलीमीटर, इतनी प्रिसीजन है इसकी बच्चों। ये MCQs में आ सकता है, तो इसकी वैल्यू को आपने हमेशा याद रखना है। अब जो मीटर की डेफिनेशन थी उस टाइम पे ये दी गई थी कि अगर हम रेड सोडियम लाइट यूज़ करें, जो आपकी बुक में भी दी हुई है, तो उस केस में आपके पास कितनी वेव लेंथ ट्रैवल हो रही है। हम ये जो डिस्टेंस ट्रैवल की बात कर रहे हैं ना, जिसमें मैंने आपको कहा कि लेमडा बाय फोर मूव कर रहे हैं या लेमडा बाय टू मूव कर रहे हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है कि एट द एंड आपके पास कितने नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल करेंगी, कितने नंबर ऑफ वेव्स आपस में मिलेंगी, तो आपके पास एक मीटर बनेगा। तो जो उस टाइम पे एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज़ हुई थी वो ये था कि हर लाइट वेव के लिए, हर कलर की लाइट के लिए ये वैल्यू डिफरेंट आती है। अगर हम यूज़ करें सोडियम कैडमियम रेड लाइट को, तो उस केस में आपके पास वैल्यू आती है 1553 163.5, अगर इतनी वेवलेंथ आपस में मिलेंगी तो आपके पास एक मीटर बनेगा। सिमिलरली अगर हम ऑरेंज रेड कलर की लाइट को यूज़ करें, तो उस केस में एक मीटर कब बनेगा, जब आपके पास 1650763.3 वेवलेंथ ट्रैवल करेंगी, वो मिलेंगी, तब आपके पास ये एक स्टैंडर्ड मीटर की वैल्यू बनेगी। बच्चों ये आपकी बुक पे पेज नंबर 265 है, जहाँ एंड पे जहाँ पे वैल्यूज गिवन है मीटर की, तो वहाँ पे ये वाली वैल्यू ऑरेंज रेड वाली जो मैंने आपको अभी 16 वाली बताई है, ये वहाँ पे गिवन है, और ये कुछ टाइम तक एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मीटर भी यूज होती रही थी। तो बच्चों ये तो थे दोनों आज के टॉपिक्स, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आपका होमवर्क क्या है कि आपने बहुत अच्छी तरह से इन टॉपिक्स को याद करना है और फिर इनके नोट्स बनाने, और एक न्यूमेरिकल है दैट इज़ 9.4, वो आपके यंग इसी माइकलसन इंटरफेरोमीटर के साथ रिलेटेड है, तो वो आपने सॉल्व कर लेना है। बच्चों कोई मसला हुआ, कोई परेशानी हुई, तो आप लोगों ने मुझे बताना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।